Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. जिस तरह से आपको पता है कि शिक्षक तज्ञ टास्क फोर्स के भी कुछ डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी और उसी के साथ साथ जो है वो पेरेंट्स एसोसिएशन और समाज माध्यम के माध्यम से लगातार हमारे पास एक मांग आ रही थी कि स्कूल को शुरू करना चाहिए और उसका निर्णय जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने फाइल भेजी थी जिसमें हमने उनसे ये विनंती की थी क्योंकि सीओ और अधिकारियों से बात करने के बाद उनका एक प्रस्ताव आया था कि ये जो स्कूल का निर्णय है शुरू करने का ये स्थानिक लेवल पे अधिकार दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियाँ हैं और ऐसे समय में ये फाइल हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजी थी जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सम्मति दी है और मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं पहली से 12वीं तक और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से SOPs का पालन किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल COVID-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और स्थानिक परिस्थिति को मॉनिटरिंग करके सबको कंसर्न लेके ही ये स्कूल शुरू करने का निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा और इसमें ये करते वक्त पूरी तरह से ये ध्यान देना होगा कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी और इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हम बहुत जो काम है पढ़ाई करके ही निर्णय ले रहे हैं। जब संख्या बढ़ी तो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया, अब हम ये निर्णय ले रहे हैं ताकि बच्चों को हम एक सुरक्षित वातावरण दे सकें, उनका एजुकेशन का भी लॉस न हो। बिल्कुल आपको पता है जैसा जिक्र आपने किया कि तज्ञों के लेटर आए, पेरेंट्स एसोसिएशन के लेटर्स आए, विधानसभा के सदस्य के हमारे कुछ MLAs के लेटर आए, सभी का कंसर्न यही है कि एजुकेशन शुरू रहना चाहिए क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट इंटरेक्टिव सेशन और कहीं ना कहीं स्कूल के एनवायरनमेंट को मिस कर रहे थे तो उनका सबका कहना था स्कूल शुरू होने चाहिए। लेकिन जैसा हमने शुरुआत से कहा है कि बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी रही है तो जब संख्या बढ़ी तो स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया और जिस तरह से संख्या कम होती है तो ये निर्णय लिया गया कि स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे जिसका निर्णय स्थानीय प्रशासन ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों सुविधाएं बनी रहेगी। नहीं, हमारा कोशिश यही है कि हम पेरेंट्स से कंसर्न ले करें, बच्चे जो अभी पिछले बार भी आपने देखा होगा कुछ बच्चे स्कूल में आ रहे थे कुछ घर पे आ रहे थे, किसी का भी बच्चे का लॉस नहीं हो एजुकेशन का वो हम पूरी तरह से मॉनिटर करने का काम चला चल रहा है। जो लोग बच्चे आप पिछले बार भी आपने देखा होगा जब ऑनलाइन स्कूल चालू थे तब ऑनलाइन पे बच्चों को लोग एजुकेशन का देने का काम हमारे पास चल रहा था। अभी हमारे पास कुछ दिनों बाद हम टीवी चैनल के साथ भी हमारे ऑलरेडी सहयात्री के साथ चालू है, हम एजुकेशन के कुछ चैनल भी अभी हम लोग कोशिश करें कि मिल जाए। तो लगातार हमारा यही हमारी कोशिश चल रही है कि बच्चों को दोनों माध्यम से हो, क्योंकि हमें यूट्यूब है, दीक्षा ऐप है, ये भी बच्चों के पास ऑलरेडी उपलब्ध है तो इसी माध्यम से भी हम ऑनलाइन की एजुकेशन चालू है और साथ साथ में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे क्योंकि बहुत सी जगहों पे कनेक्टिविटी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और कहीं ना कहीं बच्चे वो सोशल एनवायरनमेंट और साथ ही साथ में इंटरेक्टिव सेशन कहीं ना कहीं बच्चों का मिस हो रहा है तो ये सभी पेरेंट्स की भी बहुत सी एसोसिएशन की मांग थी स्कूल शुरू होने के लिए। लेने से पहले हमने बहुत सोच के निर्णय लिया है और जैसे मैंने कहा जहाँ पे ये संख्या जा रहा है हम सर सकल स्कूल ओपनिंग करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन को अधिकार देने की बात कर रहे हैं और वहाँ पे जो है अगर सिटी से आप कोई ग्रामीण भाग में जाएंगे आदिवासी भाग में जहाँ पे क्योंकि जहाँ कनेक्टिविटी का बाकी चीज़ों का समस्या है वहाँ पे जो है बच्चों को एजुकेशन जाना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि हम सर सकल कोई निर्णय नहीं ले रहे, हम निर्णय बिल्कुल यह ले रहे हैं कि 24 तारीख से स्कूल शुरू होंगे लेकिन वहाँ का स्थानीय प्रशासन वहाँ की अगर संख्या कम है जहाँ पे COVID-19 के प्रोटोकॉल रखे जा सकते हैं वहीं पर ये स्कूल शुरू करने का निर्णय लेगा लेकिन आज से यानी का स्थानीय प्रशासन। अच्छा, 12 से 15 साल के आयु वर्ग के बच्चों को क्या वैक्सीन देना जरूरी होगा, क्या आप लोग इस विषय को लेकर? हाल फिलहाल तो 15 से 18 साल के बच्चों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अगर बाकी बच्चों के लिए आ जाएगा तो बाकी उसके बारे में बात करेंगे लेकिन आज तो हम 24 के बारे में बात करने के लिए आए हैं। 24 से स्कूल शुरू करने का निर्णय शासन ने ले लिया है और मुझे लगता है इसमें स्थानीय स्वराज्य संस्था, लोक प्रतिनिधि, पेरेंट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी साथ में मिलकर निर्णय लेगी और पूरी सुरक्षा का वातावरण करके स्कूल शुरू। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.